कैसा लगेगा आपको जब आपके लिए फ्रिज में रखी हो खीर, जिसके बारे में पूरे दिन आप ये सोचकर निकाल दो कि यार शाम को जाकर खाऊंगा, और शाम को जब आप घर पहुंचकर फ्रिज खोलो तो देखोगे खीर कोई और सफाट चट कर चुका है। क्या रिएक्शन होगा आपका बताइए? और ये अगर आपके साथ बार बार हो तो क्या करोगे? कॉमेंट करके जरूर बताना। चलो आप उठा उठा कर पटक भी सकते हो आपके हक का खाना अगर कोई खा जाए तो, मगर भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में ये उठा उठा के पटकने का फॉर्मूला नहीं चलता, वरना संजू भैया कब का कितनों को उठा उठा कर पटक चुके होते। हेलो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूँ रौनक। मैं तो अच्छी बात करता हूँ, मगर संजू सैमसन के साथ कब अच्छा अच्छा होगा? संजू की किस्मत की करेंगे आगे इस वीडियो में बात, मगर उससे पहले कल का दिन स्पोर्ट्स के नाम रहा। पहले तो पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मेडल जीता। उसके बाद रात में भारत ने श्रीलंका को दूसरे T20 में 7 विकेट से हराकर सीरीज जीती, और इन दोनों के बीच भारतीय महिला टीम एशिया कप फाइनल श्रीलंका से हार गई। तो भैया ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर मनु भाकर को बधाई जरूर देना, जैसा कि अपने क्रिकेट हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया। बधाई तो गौती भाई आपको भी बनती है श्रीलंका पर सीरीज जीत की। इंडिया की जीत पर मस्त वीडियो हमने बनाई है अपने नोपो चैनल पर, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यहां पर हम बात करेंगे संजू भैया की, जिनकी किस्मत न जाने कहां फंसी हुई है। वैसे श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 में ये तो भला हो शुभमन गिल के गर्दन में अकड़न का कि संजू को मौका मिल गया। सूर्य और गंभीर के युग में टीम इंडिया में खेलने के लिए उनको चांस मिला, मगर न जाने ऊपर वाला संजू से किस जन्म का बदला ले रहा है कि एक तो संजू को टीम में लंबे समय से रिप्लेसमेंट खिलाड़ी ही बनाकर रखा गया है, ऊपर से जब मौका मिला तो मैच में बारिश करा दी, और फिर मैच दोबारा शुरू हुआ तो पहली गेंद पर संजू हो गए क्लीन बोल्ड। अब क्या संजू को अगले मैच में चांस मिलेगा, ये सब डिपेंड करेगा गिल के गर्दन पर। वैसे ओपनर के गर्दन में दर्द है तो संजू से ओपनिंग करा लो, मेन विकेट कीपर को रेस्ट देना है तो संजू से कीपिंग करा लो। संजू टीम के आइडियल रिप्लेसमेंट प्लेयर बने हुए हैं, वो भी लंबे समय से। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि संजू सिर्फ ओपनिंग ही नहीं, किसी भी पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए रेडी रहते हैं, और इसीलिए वो कभी भी टीम में एक खास रोल में फिट नहीं हो पा रहे, इसीलिए वो हमेशा एक रिप्लेसमेंट के तरीके से टीम में आते जाते रहते हैं। ऐसे में एक DLS अफेक्टेड मैच में अपनी छाप छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ बैटिंग के आधार पर ही नहीं, संजू कीपिंग में भी हमेशा नंबर 2 पर ही बने रह जाते हैं। यहां तक कि कई बार टीम इंडिया के कीपर नंबर 3-4 तक को टेस्ट या वनडे या T20 खिला लिया गया, लेकिन संजू को कभी भी भारत का नंबर 1 कीपर नहीं बनाया गया और न ही माना गया। क्यों? इस क्यों के पीछे वजह कई हो सकती है, मगर एक वजह जो फैंस की थ्योरी कहती है वो ये कि संजू की सीधी टक्कर ऋषभ पंत से है, और वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि सूर्या संजू को पसंद नहीं करते। इस दूसरी थ्योरी में वैसे इतना दम नजर नहीं आता, क्योंकि कल संजू खेले मगर लॉजिक लोगों ने बड़ा पुराना भिड़ाया। लोग कहते हैं सूर्या रोहित के करीबी हैं और रोहित संजू को खास पसंद नहीं करते, इसलिए सूर्या भी संजू को प्लेइंग 11 में मौका नहीं दे रहे। कोई सेंस है इस बात की? वही तो मैं कह रहा हूँ ब्रो, पर इस लॉजिक को लॉजिकल बनाते हुए लोगों ने यहाँ तक कहा कि क्योंकि एक समय संजू की वजह से बतौर ओपनर रोहित शर्मा की टीम इंडिया से जगह जाने वाली थी, इसलिए रोहित को संजू पसंद नहीं है। कुछ भी, संजू ने वैसे 2015 में डेब्यू किया, लेकिन तब से लेकर अब तक ये भी सच है कि उनके सामने हमेशा एक कदम आगे कोई और खिलाड़ी खड़ा मिला। जैसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, जब वो हटे तो लपक के आ गए ऋषभ पंत, ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ प्रकट हो गए ईशान किशन और KL राहुल, राहुल T20 से बाहर हुए तो ऋषभ वापस आ गए, और उधर ईशान किशन टीम इंडिया से एकदम ही बाहर हुए तो KL राहुल वापस वनडे में आ गए। मगर कमाल की बात यह है कि संजू को इस दौरान भी ज्यादा मैच नहीं मिले, और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भी मल्टी टैलेंटेड संजू के साथ वही होता दिख रहा है जो उनके साथ बरसों से होता आया है। कई पूर्व भारतीय खिलाड़ी तो संजू को T20 में भारत के लिए भविष्य का कैप्टन तक देखते थे। IPL के पिछले सीजन में संजू की कप्तानी देखकर भज्जी ने कहा था कि न हार्दिक, न गिल, न ही ऋषभ, टीम इंडिया का अगला कैप्टन होना चाहिए संजू सैमसन। हरभजन के अलावा मौजूदा इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी संजू के लिए 4 साल पहले ट्वीट किया था। संजू सैमसन न केवल भारत की सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बल्कि भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा बल्लेबाज भी हैं। क्या कोई इस पर बहस करना चाहता है क्या? हेलो, अब गौती भाई आप ही देख लो और हमें बताइए कि क्या तीसरे T20 में आप संजू को खिलाएंगे, या तब तक शुभमन गिल की गर्दन ठीक हो जाएगी और वो लौट आएंगे और संजू फिर से एक T20 मैच में पानी पिलाते नजर आएंगे? बताइए। संजू के साथ वैसे एक अलग ही खेल चलता रहा है। दरअसल जब वनडे फॉर्मेट में कोई इवेंट करीब आता है तो उन्हें T20 टीम में चुन लिया जाता है। अगर T20 में कोई बड़ा इवेंट आता है तो उनको ODI में ले लेते हैं, और यही काम एक बार फिर उनके साथ हुआ जब श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में तो संजू को शामिल किया गया मगर ODI सीरीज से उन्हें निकाल दिया गया। ये भेदभाव क्यों? यही पूछ रहे हैं संजू फैंस पिछले 10 साल से, जिसके कुछ जवाब हमने इस वीडियो में आपको दे दिए। इसके अलावा क्या लगता है आपको, संजू का इंटरनेशनल करियर कभी रफ्तार पकड़ेगा या नहीं? क्या वो कभी इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं, या फिर लगभग 30 साल के संजू अपने करियर में सिर्फ T20 क्रिकेट में बैकअप प्लेयर बनकर ही रह जाएंगे? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं क्रिको पर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।